सभी मेरी YouTube फैमिली को रियलिटीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी है रियलिटीज, सब कुछ हरा हरा, मेरी छत का व्यू भी हरा हरा है और आज तीज भी है। जो भी हरियाली तीज पर करते हैं, झूले झूलना, शिव की कोथड़ी आना, चूड़िया मेहंदी जो भी है अपना, हंसी खुशी सबका होए। हम भी देखेंगे, कुछ करेंगे, सोच रखा है तो देखते हैं क्या करेंगे। पर सभी मेहंदी भी लगवा रहे हैं, मैंने नहीं लगवाई, क्यों? हमारे तो फिर रोटी बनाने वाली दिक्कत होती है और भी काम हमारा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं सभी? स्वागत है एससी ब्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। हवा ठंडी ठंडी चल रही है, आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। असल में शाम को ही चल रही है, शाम को इतना काला हो गया था, 7 बजे इतना अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा, जब तो यूँ लगेगा था बरसेगा। सैर करने जा रहे थे, मैं यूँ लगा था बीच में उल्टा ही वापिस ही घर जाना पड़ेगा, पर एक भी बूंद नहीं आई, बूंद क्या बूंदड़ी भी नहीं आई, एक भी फुहार भी नहीं आई, यूँ का यूँ ही उतर जाता है। पर वो हवा शाम को अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी चल रही थी, कहीं तो हुई होगी ना, और अब भी ऐसी है ना कहीं तो हुई हुई है, अच्छी बारिश हुई है, उसका ही असर ना, अच्छी ठंडी हवा है और तेज़ चली हुई है। दिखा दो तो उधर तो बेल बेलें तो पूरी यूँ ही लड़ने लग रही हैं, लुढ़कने लग रही हैं। ज़्यादा मैं करती भी नहीं, थोड़ी स्ट्रेचिंग सी करती हूँ और कुछ नहीं करती, योगा योगा ही करती हूँ ना। पहले तो मैं योगा में भी सूर्य नमस्कार भी मार लूँ थी और कुछ, अब कई दिन से छोटा हुआ है बिल्कुल, पैर यूँ जवाब दे जाते हैं शाम तक, अब ठीक है, अब कुछ नहीं है, क्यों सारी रात सोई ना, रेस्ट करने से ठीक होते हैं, रेस्ट मिलता नहीं, दिन में खड़े रहो सारा दिन खड़े खड़े, कहीं 2:30-3 बजे जाकर ना आराम मिलता, जब बैठा लेटा करूँ घंटा का, पर 1 घंटे में नहीं होता, कई घंटे हुए ना जब वो चस तस बैठा है, फिर वो थोड़ी देर नहीं सोचा हूँ, 1-2 चक्कर लगाया हूँ तो उसमें और ज़्यादा हो जाते हैं, हल्का फुल्का ही रखूँगी जब तक मेरा विटामिन डी पूरा नहीं हो जाता। ऐसी कोई दिखते हो पैरों की ना, तड़वे तड़वे की एडियाँ की ना, सारे पैर में ही चस्तस रहते हैं, पूरे पैर में कोई यूँ यूँ करता जैसे आग सी लगा रखी और इतना गर्म, यूँ फक फक, नीचे कुछ जला हुआ है, तो इस तरह रहता है। तो अपना पहले ही टेस्ट करवा के ना दवाई और खाना पीना स्टार्ट कर दो, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि इस एज में आकर ना रोती हैं ये चीज़ें, कम होती हैं। अब मैं कर लूँ अपने काम, काम बढ़े हुए हैं, हवा ने हवा चली हुई थी, पहले कुछ लटकी हैं, कुछ ऊपर की तरफ निकल गई हैं, तो मैं फिर खींचनी पड़ेंगी, फिर लाऊंगी उन्हें नीचे खींच खींच के, उन्हीं में टाइम लग जाए, वह मेरे बाहर निकल गई नेट से ना, चली तो जाए, फिर वो तोड़ने में प्रॉब्लम आएंगी, उनको करती हूँ एक बार सिटी रह कर ना। एक किसी बहन का कॉमेंट था कि थरल क्या होता है, इथरल के बारे में बात हो रही थी, तो हवा तेज़ के कारण थोड़ी ही प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इथरल के बारे में पूछ रही थी बहन, जब 4-5 सच्ची पत्ती आ जाती है ना, जब उसका प्रयोग करते हैं, उसको यूज़ करते हैं ना, सर्फ डाल कर ना थोड़ा हा पौधों की ग्रोथ के लिए, उसके कारण जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। ये चीज़ मेरी सब्जियों पे यूज़ करी हुई है, वैसे नहीं बता रही, हम करते हैं तो मैं वीडियो कम बना पाती हूँ, ब्लॉग में ही डाल देती हूँ, इसलिए फिर मैं सारी चीज़ें वो दिखा नहीं पाती, अब कोशिश करा करूँगी जो हम डालते हैं। और एक और कमेंट था शायद, सच में गार्डनिंग का करते हो ना, असल में जब भी याद आती हैं चीज़ें फिर भूल जाऊंगी मैं। नीम का कैसे यूज़ करते हैं? नीम के पत्ते जैसे तोड़ लाए आप, 2-4 टहनी जितने आप प्लांट्स हैं उस हिसाब से तोड़ लाओ, और ना वैसे ज़्यादा भी तोड़ लाओगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, उसको कई दिन रहेगा तो उसका और ज़्यादा अच्छा बनेगा वो, और 4-5 दिन में और अच्छा बन जाता है। उनको तोड़ के ना, चाहे वो छोटी पतली टहनी होती है ना, उस समय ही डाल दो आप किसी भी चीज़ में, बाल्टी में, टब में, मटके में, किसी भी चीज़ में डाल दो, और उसके साथ थोड़ा लहसुन डाल दो, लहसुन डाल दो, हरी मिर्च डाल दो, कुछ भी डाल दो, या केला भी कर लो, कुछ भी कर लो, तो मटके में रख दो सारी चीज़ें डाल के 4-5 दिन के लिए ढक दें, 4-5 दिन के बाद उसको छान कर ना और उसका स्प्रे कर दो, जो ये इस मौसम में कीड़े मकोड़े होते हैं ना बारिश वाले में, वो नहीं होएंगे। तो कितना ही यूज़ कर सकते हो आप नीम, और किसी भी चीज़ में डाल कर रख सकते हो, आयोजन की इसमें ज़रूरत ही नहीं होती, नीम वाला आ रही है, गार्लिक वाला आप कर दो, 4-5 दिन बाद ये तैयार हो जाता है और ये ख़राब भी नहीं होता। बायो एंजाइम में 3 महीने लगते हैं, मेरे बायो एंजाइम 1-1 साल के हैं, जो 3 महीने में जो असर होता है ना, बल्कि जो अब असर आ रहा है ना 1 साल बाद सही, वो उस टाइम नहीं आ रहा था, मैंने 3 महीने बाद भी वो यूज़ करके देखे थे, हाँ तैयार हो जाते हैं 3 महीने में बायो एंजाइम। पर कहने का मतलब ये है, जितना वो टाइम लेगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छा तैयार होता है, मैंने ये चीज़ नोट करी है, तो पिछले साल में अगस्त सितंबर में ही बनाने लगी थी, तो जो रिजल्ट अब दे रहे हैं वो 3 महीने सर्दियों में नहीं दिया था उनने मेरे को, थे ना नोट कर रखे थे मैंने आप लोगों के कमेंट,
मैं फिर काम करके ही करूँगी, दिखाती हूँ। ये लास्ट वाला है, तो ये था केंचुए का वर्मी कंपोस्ट। क्या वर्मी कंपोस्ट घर में मटके में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। केंचुए ले आओ, अपना प्याज उसमें डालियो नहीं, और सारा किचन वेस्ट डाल दो। पत्ता है जिस तरह इसका गार्डनिंग का हमारे का निकलता है, उसका पत्ता डाल दो, और जितना भी घर का है प्याज और लहसुन को छोड़ के तो डाल दो। उनका चाहे अलग से बना लो, उनको मत डालियो, और चाहे कुछ भी डाल दो किचन वेस्ट में, और बहुत अच्छा बनता है। और मैं दिखा भी दूँ, अब तो मेरे बल्कि ऊपर आ रहे हैं इस मौसम में, सारे केंचुए ऊपर आए हुए हैं। और गोबर का खाद हो तो साथ में वो ज़रूर मिलाओ। जैसे मैं अब पानी बनाती हूँ, उपला भी गोकर नर में कंपोस्ट बनाती हूँ अपना, ये पानी पौधों में डालने के लिए। तो जैसे कई बार मैं भिगो ली हूँ उसको, और लास्ट वाला मैं उसको बाल्टी में 2-4 दिन छोड़ देती हूँ। क्यों? एक तो वो उपला होता है जो गोस्सा बोलते हैं हम, तो वो काफ़ी पुराना होता है, मेरे कई साल पुराने हैं, 4-5 साल पुराने हैं वो। एक तो पुराना होता है, 4-5 दिन बाल्टी में डालने के बाद वो गल जाता है, तो गलने के बाद फिर वो जो सूखा सूखा होता है नीचे का पानी, तो फिर पौधे में डायरेक्ट डाल देती हूँ। और जो गलने के बाद होता है उसका बच जाता है, तो वो इसमें डाल देती हूँ। वो इनका और भी फेवरेट फूड है, तो मैंने डाला हुआ है, वो दिखाती हूँ। कई दिन पहले मैंने डाल रखा था, तो कमेंट ये दें। गोसे के ऊपर ही आया हुआ, अरे इस गोसे का इतना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, गर्मा हाथ लगा दो ना नीचे से, क्यों वैसे तो अंधेरे में रहते हैं, पर यो इनका फेवरेट फूड है, तो इसके ऊपर आए हुए हैं। ये ढक देते हैं बोरी, तो इनको अंधेरा लगा है तो यहाँ आए रहते हैं। ये मेरा बना हुआ है नीचे से बिल्कुल ही, अगर मैं आपको नीचे से दिखा दूँ, ये ऊपर वाला पड़ा हुआ है, ये नीचे का मेरा किचन वेस्ट का बिल्कुल तैयार है। ये देख इतना जल्दी तैयार कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में बना सकते हो इसको। हवा का बिल्कुल तूफान चला हुआ है, और मेरी मक्की होगी है ज़्यादा बड़ी, इसके स्पोर्ट लगा लगा के मैं थक ली। अब गमले लगाने लग रही हूँ, क्योंकि बीच में से टूट जाती है और ऊपर से मक्कियाँ बढ़ने लग रही हैं। अब दुख सा होता है जब ये टूटते हैं, तो को सभी के जवाब मिल गए होंगे जो पूछ रहे थे। कोई एक आए हुए हैं कि आप अपने वीडियो डालते रहा करो प्लांट्स के ऊपर, मेरे पास अभी टाइम ही नहीं निकल रहा बैठ के ना निकालने का ना स्पेशल, ये तो काम लगी होती है उसके कारण क्लिप निकाल दूँ। कोशिश में तो हूँ निकालूँ, निकल सुबह ही निकाला करूँगी, सुबह ही बैठ के बनाया करूँगी 8-10 मिनट की ना। वैसे बड़े तो जल्दी ही जाते हैं, वो 10-1 मिनट निकालना ही मुश्किल हो जाते हैं। अब कईयों ने जेड प्लांट में पूछा हुआ है जेड का कैसे करते हो, तो किसी दिन बैठ के ना बनाती हूँ, है किन पे बताना, तो चलो बनाते हैं। कोशिश करूँगी निकालने की टाइम ना, 10-1 मिनट तो निकाल लूँगी, 6-7 मिनट तक की भी आ जाए ना, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया है वो मेरे तोरी वाली का, लोगों का ना कमेंट जो आए, कई किसान भी जुड़े हैं, फार्मर्स भी जुड़े हैं, तो अच्छा लगा। डालती हूँ, कोशिश करूँगी। टाइम हो गया 9:30 का, तो अब मैं सब्ज़ी बनाने लग रही हूँ। सब्ज़ी में बना दिया था लोबिया, क्यों टिफ़िन भी पैक करना है, वो भी लेकर जाना है। फिर एक भतीजा आया हुआ था, उसने भी ड्यूटी पर जाना है, वो बोला मेरे परांठे पैक करते हो। मैंने इधर की उधर ड्यूटी पर जाऊँगा तो रात को घर पहुँचूँगा। और सबसे बड़ी गलती करता सुबह सुबह खाली पेट घर से निकलता है, कि जो कोई भी आदमी हो या सुबह खा के निकलना चाहिए, चाहे आधी रोटी खा के निकलो, पर सारा दिन चाहे कुछ ना खाओ, फिर वो पानी पूनी पिए तो पेट में दर्द या और कुछ प्रॉब्लम ना होए। हर किसी को ही निकलना चाहिए, ये नहीं है उसको, कोई भी हो घर से बाहर निकलते हैं तो आधी रोटी एक रोटी जैसे भी आपका मन करे खा कर निकलना चाहिए, कभी खाली पेट मत निकलो। पता है सुबह खाने के बाद एक रोटी खा कर निकलने के बाद, चाहे सारा दिन आपको टाइम मिले ना मिले, खाने का नहीं भी मिलता, कई बार काम ऐसा हो जाता है, तो फिर चाहे कुछ भी ना खाओ, फिर बीमार होने वाला चांस कम होता है, पेट दर्द वगैरह या फूड पॉइजनिंग। अब बना दिए, अब पैक करके ना फटाफट से उसको दे दूंगी, उसको बाय बाय बोल दूंगी, अपना टाइम पे ड्यूटी पर पहुंचे। टाइम हो गया 11 बज गए, सुबह से बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है, आंधी चल रही, दरवाजे लाग गए थोड़ा, हाँ खुल दें बड़ा बड़ बड़ा बड़ क्यों लाग गया ना जड़ू जाने का मारे हागलन, पर एक बूंद नहीं पड़ रही। कल शाम से ही चला हुआ है रामजी का ऐसे ना, अब फिर काला काला उठ के रहा, दूसरी तीसरी बार आया अब सुबह से, रुक ही नहीं रहा, चलता ही चलता है, चल रहा है बस। सोमवार है, सोमवार का अपना फास्ट है, नारियल पानी ले कर रही हूँ और रखा है पीछे, मैं एक बार बैठ के ना नारियल पानी ले लेते हैं। तो मंदिर गई नहीं, गमले में ही दे दिया अपना पानी, अपने शिवलिंग पर ही चढ़ा दिया। मंदिर जाने में फिर और टाइम लगा, इतनी देर में ललिता पोछा लगाने आ लेती है, परेड ही रहे इधर उधर पे, मैं चलो अपने गमले में ही दे देते हैं, शिवलिंग कर ही दिया मैंने। तो हमने 19 का लास्ट है रक्षाबंधन वाले दिन, बस दो रह रहे हैं हो जाएंगे,
एक और कोई कह रहा था रक्षाबंधन वाले दिन आप खा सकते हो, व्रत त्योहार बड़ा होता है ना कि व्रत। यूँ शेयर करते करते यह भी चीज़ सुनी थी ना, उस दिन अगर पानी पुनी चढ़ा गए दोपहर ने, आज जब भी राखी रुकी बांधे जो भी त्यौहार बने तो उसको ले सकते हो, जो चीज़ें घर में बने। मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, और किसी को हो तो बता देना। तो उस दिन बरती रहना है या उस दिन खा भी सकते हैं, क्योंकि मैं मीठे का रहती हूँ, अगर नमकीन खा सकते हैं तो ठीक है, नहीं खा सकते तो भी ठीक है। कई कहते हैं फल नहीं लगेगा जिस चीज़ में बरती रह रहे हो, कोई वो नहीं मिलेगा, तो पता नहीं अब कन्फ्यूजन सा है इस चीज़ पीछे। पर जो एक आध से जो बड़ा ही आदमी है उन्हीं से सुना था, उन्हीं ने वो ही कह रही थी त्योहार बड़ा होता है ना कि व्रत, इसीलिए पूछ रही हूँ। यूट्यूब वाला ना और ज़्यादा पता होगा ना, तो फिर न्यू कह देंगे न्यू वीडियो देख कर ना रही वीडियो किसी की नहीं देखी है। कोई बता रही थी, बुजुर्ग ही थी लेडी, तो बता रही थी कि बेटा त्यौहार बड़ा होता है ना कि व्रत बढ़ाओ, त्यौहार को सेलिब्रेट करो, वही पूछ रहे थे। मैं उस दिन रक्षाबंधन पड़ेगी, तो और किसी को जो कुछ नॉलेज है तो बता देना। आ जाओ भाई, कोथड़ी का घेवर खिलाती हूँ, रोटी नहीं खा रही, क्यों सोमवार की बरती हो ना, मीठा खाना होता है, एक बार से कुछ भी खा लो ना, रोटी खाई नहीं जाएगी, रोटी खाऊंगी घेवर नहीं खा जाएगा, इसलिए एक चीज़ खाऊंगी, कोई वड़ा अपना घेवर लेके आई हूँ, यो खाऊंगी आज ना, तो फिर कल मंगलवार हो जाएगा, वैसे नहीं खाया जाना, तो दो तीन दिन में फिर खोए वाला वैसे ख़राब हो जाता है। तो मैं चलो आज खा लेते हैं अपना कोथड़ी का घेवर, कल भी सारा दिन काम लगी रही थी, लंच टाइम में बस राजमा चावल और वो चीज़ें खा ली, फिर दोबारा खाना ही नहीं होता, एक बार जो खाना हुआ है फिर जब खाया ही नहीं गया, जब तो इतना पीसी खाया था, तो ये अपना घेवर खा लेते हैं, घेवर ले गया ज़्यादा मीठा, खाने वाला कोई है नहीं। असल वीडियो बनाती हूँ, मेरे सामने बैठ कर नरेशन देखने लग जाता, मैं भूल जाऊँ मैंने क्या बोलना मेरे दिमाग में चीज़ें निकल जाती हैं, मेरे मुंह की तरफ यूँ देखे है ना बाबू बेटा, पता नहीं जो चीज़ बोलना चाहो वह और जाओ है, कहाँ गई कहानी, क्या बोलना चाहूँ थी, कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। चलो भाई खा लेती हूँ, ये कहाँ वीडियो बनाने दे टाइम हो रहा है चाय का, चाय बनाने लग रही हूँ, आज इतनी गहरी नींद में सोई, 3:30 बजे उठी थी वो तो सोई, तो शुरू में तो आधा घंटा थी, जिस तरह 2:30 बजे लेटी थी तो 3 बजे सोई, 3:30 बजे उठ गई थी मैं, चलो उठ के ना दे खाने पीने ने मान, तो उठ के ना उल्टी है फिर बैठ के ना उल्टी है फिर सोएगी, अलिया ना घेवर घेवर खाए पाछा उ हो रहा है, रोटी खा लिया करती वो ठीक रहा अगर तन नहीं मजा नहीं है, अकेला घेवर घेवर खा गए ज़्यादा ही मीठा पन था वो हो गया। ये लोग अपनी चाय बना रही हूँ, चाय बना के लेते हैं, कुछ मखाने मखोने जो ना खाते ना उनके लिए दिक्कत होती है, मीठा फिर खा लिया तो मैंने भी मीठी चाय पी लूँ, जब मेरे साथ यूँ बनाया करें मीठा खा लूँ, मीठी ले लूँ तो इसी तरह का होया करें मेरे अंदर ना, वो पी अरे आज वो ही काम हो रहा है मीठा खाने से, देखते हैं क्या रहेगा।